हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। और पिछले 2-3 दिनों से जो है काफ़ी हमें कमेंट्स आ रहे थे, 25-30 कमेंट एक्चुअली जो है आए हैं कि क्या ये MSCI के इंडेक्स के अंदर जो है शामिल हो सकता है या नहीं। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, 50% लोगों को आई थिंक पता ही नहीं होगा। और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ये इंडेक्स है क्या। तो अभी इसकी जो रिपोर्ट है वो हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर अब देखें, आज के दिन हुआ कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था और यहाँ पर जो है फ्लैट बंद रहा और ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल उसको पार नहीं कर पाया, उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। आने वाले हफ्ते में कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वीडियो की डिटेल ज़रूर देखें। यहाँ पर भले ये रिपोर्ट जो है पुरानी हो, लेकिन समझने लायक बात है, अभी 14 मई की है, ज़्यादा पुरानी है भी नहीं, कि MSCI इंडाइसिस में रिव्यू, तो इन शेयरों में आने वाला है भारी भरकम निवेश, तो इन स्टॉक्स में होगी तगड़ी बिकवाली। तो मतलब कि कुछ शेयर जो है MSCI इंडेक्स के अंदर जो है शामिल हो गए और कुछ जो है उसके अंदर मतलब कि बाहर हो गए। कौन कौन से वो स्टॉक है वो हम देख लेते हैं, क्या इसके अंदर अदानी टोटल केस का नाम शामिल है या नहीं। पहले तो आप जो है इसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, जो शेयर है वो हम सिर्फ देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी अदरवाइज लंबी हो जाएगी। ये शेयर जो है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर अदानी टोटल केस का नाम नहीं है, लेकिन कौन कौन से शेयर है वो आप चाहे तो देख सकते हैं, वीडियो को पोज कर आप पढ़ सकते हैं। ये सभी स्टॉक जो है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये सब शामिल हो सकते हैं इसके अंदर। अब बाहर कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ये मतलब कि ये जो है इस इंडेक्स में शामिल होने वाले के चलते नुआमा मुताबिक इन इंडस टावर्स में और ये सब कितना कितना इनफ्लो हो सकता है वो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। अब यहाँ पर जो है पहले तो अगर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहीं दूसरी तरफ नुआमा की एनालिसिस के मुताबिक पेटीएम, इंद्रप्रस्थ गैस, वर्जन पेड इन वो ये जो है बाहर हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर है। इन सभी को आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। और ये भी जो है अब MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो नुआमा का मानना है कि वारी रिन्यूएबल्स, वेदांत फैशन और ये सब जो है स्टॉक जो है यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये जो है इसके अंदर जो है शामिल हो सकते हैं। और ये सब स्टॉक उसके नीचे के ये सब ये बाहर हो सकते हैं, तो इसको आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट अदानी टोटल गैस जो है अभी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर इसका नाम नहीं है, तो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में मतलब कि शामिल होने की संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ है, ये MSCI इंडेक्स है क्या, तो वो ग्लोबल फंड है। इससे इस अगर ये किसी शेयर में स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो है शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि ये खरीदारी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग काफ़ी रिसर्च करके जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में भी इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है कोई भी स्टॉक हो तो। लेकिन ये एक के ऊपर जो है बाजार जो है कोई भी स्टॉक जो है मतलब कि उसका आधार नहीं रहता। कई ऐसे स्टॉक भी है जो कि MSCI इंडेक्स के अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी तेज़ी तो आती है। अगर आप यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अदानी टोटल केस के ऊपर, यहाँ पर इसीलिए चर्चा की। पहले तो अदानी टोटल केस का जो है इसका यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल। सिर्फ मार्केट कैप इसका देखिए 1,00,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब इसके अंदर ऑलरेडी FIIs घुसे हुए हैं, कितने हैं FIIs यहाँ पर आप देख सकते हैं, 13% FIIs। प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, इसी मार्च क्वार्टर की जो है सेल होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखें, FIIs के पास भी 13% के आसपास का मतलब कि माल अभी भी है इसके अंदर, तो ऑलरेडी FIIs इसने घुसे हुए हैं, तो मतलब कि आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ साथ एक चीज़ अगर आप नोट करें, जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी थी, कि अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे दिसंबर 2021 से, तो FIIs की लगातार होल्डिंग जो है वो घट रही थी। अगर आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं लगातार घट रही थी, कम हो रही थी, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर जो है पहली बार ये हुआ है इतने समय के बाद कि FIIs की जो हिस्सेदारी है हल्की सी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं FIIs को भी अभी लग रहा होगा कि आने वाला समय इसके लिए अच्छा रह सकता है। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तुरंत भी तेज़ी आ सकती है, या फिर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि हमने बात की, हो सकता है कि मतलब कि कुछ ऑपरेटर का गेम भी हो, मतलब कि थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेशन होने के बाद भी इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि FIIs का इंटरेस्ट जो है इस क्वार्टर के अंदर इसके अंदर बड़ा है, मतलब कि मार्च क्वार्टर के अंदर, और इसको आप साफ साफ देख सकते हैं। रिटेलर्स के पास अगर टोटल हिस्सेदारी देखें, रिटेलर्स तो नहीं बल्कि इसकी पब्लिक हिस्सेदारी सिर्फ 6% के आसपास की है, तो ये अभी भी मतलब कि ये कंपेयर करें तो थोड़ी सी कम ही लग रही है अगर टोटल हिस्सेदारी की बात करें तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर। अब वीकली चार्ट के ऊपर इसकी एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर जो है अभी 9 वीक का मूविंग एवरेज, 5 वीक का मूविंग एवरेज इसके आसपास क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर निकलने में अभी भी ये कामयाब नहीं रहा। अब यहाँ पर जो है लेकिन अच्छी बात एक वो भी रही कि पिछली बार हमें ये भी हमारा पूरा पिछले वीडियो में जो कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा बनाया जब ये इस लेवल के आसपास था,
क्योंकि तभी हमने चर्चा की थी, एक तो यहाँ पर 850 रुपये के आसपास था, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो 5-7% का भी अगर मुनाफा मिले तो अच्छा खासा रह सकता है, और यहाँ पर तो जो है 9-10% के आसपास भागा था, तो ये उनके लिए अच्छी बात रही, मतलब की रही होगी क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास था। RSI की बात करें तो वो भी 30 से नीचे था, तो सभी तभी हमने चर्चा की थी कि बाउंस बैक कभी भी इसके अंदर आ सकता है, दूसरे दिन ही बाउंस बैक आया था। फिलहाल यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो अगर ये दोनों ही मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी पास आ चुकी है तो आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर क्लोजिंग अगर ये दे देता है, जिसके चांसेस अभी लग रहे हैं, तो इसके अंदर जो है फिर तेज़ी की संभावना जो रह सक और जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो ये 9 वीक के मूविंग एवरेज को तोड़ा था, उसके बाद ये लगातार एक जो है रेंज के अंदर काम कर रहा है। और आगे हम देखें बोलिंजर बैंक को, फिलहाल जो है यहाँ पर ये इसकी मिडिल लाइन है, वहाँ पर ये पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो ये ऊपरी लाइन तक जा सकता है और ऊपरी लाइन भी उसके बाद ऊपर कर्व ले सकती है। और यहाँ पर हम देखें MACD को, आज भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी इसके अंदर, भले ही फ्लैट कारोबार रहा। RSI ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी भी दिख रहा है, 48 के आसपास है, इसी वजह से अभी भी सपोर्ट एरिया जो है वो काफ़ी करीब दिख रहा है। एक तो 850 का जोन, उसके नीचे 810 का जोन, क्योंकि अभी भी RSI इसका 48 के आसपास है। अब हम आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो नज़दीकी और दूर के सपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं। कल के दिन जो है इसके ऊपर अगर हो सकेगा तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते की बात करें तो, क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट भी है और उसका अंदर अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो उसका इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है, एक मतलब कि रैली देखने को मिल सकती है। अब कितनी रैली आती है वो वक्त बताएगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। खास करके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1100 रुपये को वीकली चार्ट के ऊपर अंदर अगर ये पार करता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो ये लेवल को इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज है। डेली चार्ट पर अगर जब बात करें 912 का प्राइस, नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो 900 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 875 और उसके बाद देखें तो 850 का जोन। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा दूर का सपोर्ट जो कि इतना दूर भी नहीं है, 810 रुपये के आसपास का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। और रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट डेफिनेटली 930 रुपये का प्राइस, उसके बाद देखें तो 950 से लेकर 975 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है 1000 रुपये से लेकर 1020 का लेवल। तो ये एक रेंज है यहाँ पर जो कि नज़दीकी रजिस्ट्रेंट इसके दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के रजिस्ट्रेंट की जैसे कि हमने बात की, वो दिख रहा है 1100 रुपये का लेवल। तो अभी बड़े एक रेंज की बात करें तो 900 रुपये से लेकर, एक्चुअली 900 नहीं बल्कि 800 रुपये से लेकर 810, मतलब कि इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 800 रुपये से लेकर 1100 के बीच की एक रेंज में ये काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। नीचे में सपोर्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 810 रुपये के आसपास दिख रहा है, ऊपर में ये जो है 1100 रुपये के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो इनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो आने वाला वीक जो है इसके लिए अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी डेली चार्ट के ऊपर। पिछले दिनों में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी भी उठी थी, तो ये भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी ऊपर नीचे वोलेटिलिटी रहे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।